नमस्कार, बिग स्क्रीन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कंगना रनौत के ईमेल मामले में ऋतिक रोशन का दर्ज होगा बयान। मुंबई क्राइम ब्रांच ने भेजा है सम्मन। कंगना रनौत के साथ विवाद मामले में ऋतिक रोशन का बयान दर्ज होगा। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने ऋतिक रोशन को सम्मन भेजा है। अभिनेता को 27 फरवरी को अपना बयान दर्ज कराने के लिए क्राइम ब्रांच आने के लिए कहा गया है। ऋतिक रोशन को क्राइम ब्रांच के क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट में आकर बयान दर्ज कराना होगा। दरअसल मामला 2016 का है, जब ऋतिक रोशन ने कंगना के अकाउंट से 100 से ज्यादा ईमेल मिलने की शिकायत की थी। मामले की जांच जारी है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही ऋतिक रोशन ने इस मामले को साइबर सेल से क्राइम ब्रांच इंटेलिजेंस यूनिट को ट्रांसफर किया गया था। ऋतिक रोशन का आरोप है कि 2013 से 2014 के बीच 100 ईमेल मिले थे। बताया गया है कि ये ईमेल कंगना रनौत के ईमेल आईडी से भेजे गए थे। इसे लेकर ऋतिक रोशन ने साइबर सेल का एक शिकायत दर्ज कराई थी। मामला ट्रांसफर करने की जानकारी मुंबई पुलिस ने खुद ही दी थी। रिपोर्ट के अनुसार ऋतिक रोशन के वकील महेश जेठमलानी ने मामला ट्रांसफर करवाने के लिए मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया था कि इस पत्र में महेश जेठमलानी ने कहा कि साल 2013 से 2014 में कथित तौर पर अभिनेत्री कंगना रनौत की ईमेल आईडी से ऋतिक रोशन को भेजे गए मेल के मामले में अब तक साइबर सेल की ओर से प्रगति नहीं हुई है। ऐसे में इस मामले को क्राइम ब्रांच इंटेलिजेंस यूनिट को ट्रांसफर कर देना चाहिए। साथ ही वकील ने यह कहा कि अभिनेता इस पूरे मामले में सहयोग भी कर रहे हैं। बता दें कि 2016 में ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के बीच विवाद पैदा हुआ था। उस समय इन दोनों कलाकारों ने एक दूसरे को कानूनी नोटिस भी भेजा था। ऋतिक रोशन ने कंगना रनौत को नोटिस भेजकर उनसे माफी मांगने को कहा था। यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ था जब कंगना ने बताया था कि ऋतिक रोशन के साथ वह रिश्ते में थी। तो क्या कहना है आपको इसके बारे में, हमें कमेंट्स करके बताइए और देखते रहिए बिग स्क्रीन।